हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेल वॉल मेड अप ऑफ, यानी कि किसकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है या फिर सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है बैक्टीरिया सेल वॉल। तो बैक्टीरिया सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में तीन होते हैं, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूलेनॉइड्स। तो डायटम्स की सेल वॉल बनती है टू ओवरलैपिंग सेल्स से। डायनोफ्लैजेलेट में हैज़ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, यानी कि डायनोफ्लैजेलेट में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट पाई जाती है। यूलेनॉइड्स में पेलिकल, यानी कि ओनली पेलिकल रिप्रेजेंट द सेल वॉल। फंजाई सेल वॉल, तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। इसके बाद है एल्गी। तो एल्गी जो कि प्लांट सेल के अंदर ही आते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, तो इनमें सेलुलोज कॉमन होगा। तीनों में सेलुलोज पाया जाता है एंड साथ में ग्रीन एल्गी में सेलुलोज प्लस पेक्टोस, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज प्लस एल्जिन एंड रेड एल्गी में सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स। एंड लास्ट में है एनिमल। तो एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले था बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसमें आ जाता है पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन। इसके बाद प्रोटिस्टा, डायटम्स, टू ओवरलैपिंग सेल्स, डायनोफ्लैजेलेट्स हैव स्टिप सेलुलोजिक प्लेट, यूलेनॉइड्स पेलिकल रिप्रेजेंट द सेल वॉल, फंजाई सेल वॉल काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड, प्लांट सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, एल्गी सेल वॉल ग्रीन एल्गी सेलुलोज प्लस पेक्टोस, ब्राउन एल्गी सेलुलोज प्लस एल्जिन, रेड एल्गी सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स एंड एनिमल नो सेल वॉल।